इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त के बड़े अपडेट की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली से स्वतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व अच्छी खबर आई है। जी हां, गृह मंत्रालय दिल्ली ने जिले में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चयनित किया है। शनिवार को जैसे इस पदक के लिए एसपी गणेश के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही जिले के तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अधिकारियों कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ये अवार्ड एएसपी गणेश को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाएगा। बड़ा अपडेट आप जानने में उल्लेखनीय है कि जिले के एएसपी सुंदर सिंह गणेश ने गत सालों पूर्व मंदसौर जिले में हुए किसान आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे उन्होंने लॉयल ऑर्डर को लेकर बहुत कार्यवाही कर चुके हैं और बहुत ही सरल व सहज व्यक्तित्व के धनी है। और मैं आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड का चयन गृह मंत्रालय दिल्ली से किया जाता है और गृह मंत्रालय दिल्ली के बाद इस अवार्ड पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति भवन से लगती है। राष्ट्रपति भवन से ही अवार्ड के लिए फाइनल चयन होता है। इसी फाइनल चयन में एएसपी गणेश के नाम को चयनित किया गया है। यह अवार्ड चयन प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को किया जाता है और इस अवार्ड का वितरण 26 जनवरी को होता है। इसका एक बड़ा अपडेट आपने जाना है। इस वक्त हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय भारत।